देखो संगीत में तीन चीजें इंक्लूड है, मतलब संगीत में जो है ना तीन चीजें जुड़ी, कौन कौन सी? गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को मिला के क्या होता है? संगीत। ठीक है, संगीत में कितने स्वर होते हैं टोटल? 12 स्वर होते हैं। 12 में से 7 जो स्वर होते हैं कौन से होते हैं? शुद्ध। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। इन सबके साउंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनको पहचानने के लिए क्या करना है, इनको लाइन से लिखना है, सारे नी तक लिखना है, जो सा रहता है वो बाद में रिपीट हो जाता है, इसको गिनी करनी है, 8 वर्ष। 7 ही हो गए। और 4 कोमल यानी 4 कोमल को कैसे पहचानेंगे? रे गा धा नी। कौन से कोमल होते हैं? रे गा धा और नी। तो रे का धानी के नीचे ना ये आड़ी लकीर खींचे, आड़े हमको लकीर खींच देते हैं, जैसे रे लिखेंगे तो रे के नीचे ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, समझ लेते हैं है ना, रे का धानी के नीचे ऐसे 4 ऐसी आड़ी लकीर खींचे रहेगी। एक होता है तीव्र, तो माँ तीव्र के ऊपर में ऐसे झंडा खींचा रहता है। ठीक है, ये बात है ना, माँ तीव्र का अलग साउंड होता है और नॉर्मल माँ का अलग साउंड होता है, वो होता है ना, सबके साउंड अलग अलग होते हैं। और हमारा जो संगीत होता है 3 प्रकार का। एक पहला होता है शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा होता है उपशास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिकल, तीसरा होता है सुगम संगीत यानी कि लाइट म्यूजिक जो अपन गा रहे हैं। ठीक है, लाइट म्यूजिक में क्या क्या आता है? जैसे बॉलीवुड सॉन्ग हो गए, भजन हो गए, गजल, कव्वाली, ये सब लाइट म्यूजिक में आता है। उपशास्त्रीय में आते थोड़े से सरगम वाले सॉन्ग और थोड़े से सूफी गायक के सॉन्ग, थोड़े से कठिन सॉन्ग। और शास्त्रीय संगीत में अपना जो बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह नहीं गाते, उसमें गाते हैं बंदिश है, मतलब स्वर और ताल को बांध के गाना पड़ता है, उसका प्रॉपर समय होता है, प्रॉपर गुरुओं से अपन को शिक्षा लेना पड़ती है। तो ये टोटल अपन म्यूजिक के बारे में सब्जेक्ट। और संगीत में और भी चीज़ें जरूरी होती है, जैसे कि स्वर, लय और ताल, ये तीनों अगर मैच नहीं करेंगे तो आप संगीत में पिछड़ जाओगे, आपको तीनों को मिलाना पड़ेगा तब जाकर संगीत सीख पाओगे।